अब कोई यहाँ आता जाता नहीं है, चाहे परिवार हो और चाहे इस समय हमारी बिरहा संस्कृति को बचाने के लिए इतना मेहनत जरूर है, उसमें भी बैठे बैठे गाना लिख रहे हैं। अच्छा, बीमारी में भी वो हमारे बड़े पिताजी बुल्लू यादव, हीरा गुरुजी और ऐसे ऐसे कई दिग्गज में कभी नहीं हुआ, ना कभी हमको एक थप्पड़ मारे, कभी भाई सिगरेट दारू भांग ये सब जो प्रोग्राम करते हैं तो आप लोग पीना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज मैं उस स्थान पर, उस घर पर उपस्थित हूं जहां से बिरहा को एक नया रूप, नया आयाम देने का प्रयास किया गया। और मैं बता दूं कि इस समय मैं वहां पर उपस्थित हूं श्री स्वर्गीय बुल्लू यादव के घर पर, और हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी है और बगल में जो एक उपस्थित हैं वो बिरहा इस समय गाते भी हैं, उनके भतीजे हैं। वो दो भाई थे, उन्हीं दो भाइयों में से एक भाई के लड़के हैं, भतीजे हैं उनके, बबलू यादव नाम है उनका। सारा कुछ उपलब्धि इन्हीं लोगों से हम जानेंगे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनके परिवार में आने का मकसद मेरा यही है कि इनके परिवार को लोग जाने, जैसा कि आप लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि उनके परिवार में जाइए, उनके परिवार में जाइए। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि इनके परिवार, जो वो लोग बिरहा कलाकार थे, बिरहा के कवि भी थे अच्छे और लिखते भी थे और गाते भी थे, तो वो स्वर्गीय हो गए। आज मैं उनके परिवार में उपस्थित हूँ, उनके परिवार से सारी उपलब्धियाँ जानने का प्रयास करूँगा और इनके परिवार के साथ अब क्या स्थिति है, कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सारा कुछ जानेंगे। तो माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपन नाम बता दें। मेरा नाम देवी यादव। अच्छा, और भैया भी हैं, उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपके इस ग्रुप को और जितने भी साथी हैं आपके, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस समय हमारी बिरहा संस्कृति को बचाने के लिए इतना मेहनत जोरों शोर से लगे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बबलू यादव, आप लोग तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आप भी बिरहा गाते हैं, उस विरासत को अभी भी आप जिंदा रखे हुए? जी, आज भी मैं बिरहा गाता हूँ। अभी अप्रैल में और जून में मेरा मछली शहर, इलाहाबाद और ये जौनपुर में सारी व्यवस्था, मतलब प्रोग्राम का लगा हुआ है। और अभी मैं एक रिकॉर्डिंग करके खाली हुआ हूँ, फिर रिकॉर्डिंग करने जाना है। और हम लोगों की उपलब्धियाँ ये रहती है कि बिरहा जो हमारी माटी की गीत है, उसको हम लोग बचाने का कार्य करेंगे और एक अच्छी से अच्छी सोच इस जनता के सामने अपनी गायकी के दौर से जनता को जागरूक करने की हम लोग सोच रखते हैं। इसलिए बिरहा कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। इस बिरहा के माटी से रामदेव, स्वर्गीय हमारे बड़े पिताजी बुल्लू यादव, हीरा गुरुजी और ऐसे ऐसे कई दिग्गज बिरहा गायक बने। और लोग जो सोचते हैं कि बिरहा जैसे मन करे वैसे गा के हट जाया जाए, ये गलत बात है। बिरहा की भी एक अपनी स्टडी होती है, अपना एक खिंचाव होता है और उपलब्धि होती है। जब तक बिरहा को इस मार्केट में रखना है तो अपने को इतना ढाल लेना है, इसमें इतना साधना के साथ करना है कि जो जनता आपको सुने, दोबारा सुनने की कोशिश करे, यही हम लोगों की सोच रहती है। और आगे जैसा होगा वैसा बिरहा आप लोग को सुनने को मिलेगा। तो आप कब से गाते हैं? हम गाने को तो अपने बड़े पिताजी के साथ 9 साल की उम्र से उनके साथ दिल्ली, बॉम्बे, गोरखपुर, कलकत्ता कर रहे थे। सुबह हमको एक छोटा सा गीत वो
अपने चौकी के माध्यम से गवाते, तो उस समय का बचपन का गीत मेरा दो ही था, उस समय दो ही गीत सीखे थे, सुगनवा पिजड़ा से उड़ जाई और मेरा फेमस गीत है एक ठो उठा उठा मोरे राजा बिहान भइल है। यही दो गीत हमारे स्वर्गीय बड़े पिताजी हमको सिखाए थे और करीब 15 साल तक यही गीत गाते थे। हमको बुलाया भी जाता था कि भाई छुटका बुल्लू के साथ लेके आया, तो हमारे बड़े पिताजी हमको जहाँ भी जाते थे वहाँ लेकर के जाते थे। जी, आपको लेकर जाते थे वहाँ पे। अच्छा, उनका जब स्वर्गवास कब हुआ? उनका स्वर्गवास 93 और 4 जून को उनका स्वर्गवास हुआ था। अच्छा, क्या मतलब कोई बीमारी थी क्या, मतलब कुछ ऐसी? देखिए, गायकों का हमारे पिताजी बड़े पिताजी तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो जब पैदा हुए थे तो हम लोगों के लोग 9 महीने में पैदा होते हैं, वो सतवासे थे। सतवासे के कारण मतलब सतवासा लड़का जो पैदा होता है वो शुरू से ही बहुत कमज़ोर होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। खानगी की वजह से वो थोड़ा सही हो गया, उसके बाद लीवर थोड़ा सा उनका गड़बड़ हो गया था, इसके वजह से उनका देहांत हो गया, यही कारण है। कितना उम्र रही होगी किसकी? उनकी उम्र जो है उस समय, अच्छा 50 साल के थे तब उनका देहांत हुआ। आप तो उनके साथ ही हमेशा से रही होंगी, उनको जानती होंगी उनके बारे में? हाँ, जानते रहे लेकिन हमसे उतना अपना शरीर का दुख हमको बताते नहीं रहे, छिपाते रहे कि इसको कष्ट होगा, इसीलिए बोले हम ठीक है यही कहते थे। दो बात, तुम चिंता मत करो देवी, हम ठीक हैं, तुम चिंता मत करो, हम तो दवा खा रहे हैं, हम ठीक हैं। तो हम विश्वास पर रह गए। अब हम नहीं समझ पाए उनको कि अंदर क्या हुआ। प्रोग्राम गा के आते रहे, खाते पीते रहे, खाना खुराकी बहुत कम था उनका। अच्छा, बस आते थे। और उसके बाद जब उनका देहांत हो गया तो यहाँ पर लोग बहुत लोग आते होंगे आपसे मिलने के लिए? हाँ, आते रहे, सभी कोई आ रहे थे, गांव पर से बाहर से लोग भी आते जाते रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब अपना पीछे हो गए। अब हम अकेले हैं, अब कोई यहाँ आता जाता नहीं है, चाहे परिवार हो और चाहे गायक लोग हो, नहीं। अच्छा, आपके कितने लड़के बच्चे? नहीं, हमारे एक ही लड़की थी, एक लड़के हुए थे गुजर गए, उसके बाद बस एक ही लड़की और दो नाती हैं। अब भाई हैं, हम भाई को रखे हैं, छोटे पर से रखे थे, तो उन कहे कि नहीं वो नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, अब यहीं का देखभाल वही करेगा। जब तबीयत खराब हुआ तो हमको बताएं नहीं, तो बोले नहीं नहीं, तो शादी विवाह अपने लड़की देखें, अपने शादी के सब जिम्मेदारी दे कर गए थे, बोले नहीं तुमको करना है, हमको बोल के डांट के गए, बोले ठीक है, उन्हीं के बात पर हम सब कुछ किए हैं। अच्छा, आपकी लड़की का भी वो मतलब लड़की भी आपकी नहीं रही ना? लड़की तो ये 5 साल हो गई, 6वां साल है, गुजर गई, वही नाती दो है। अच्छा, लड़की भी गुजर गई अभी कुछ ही साल पहले। तो अभी जैसे जो घर का खर्च वगैरह कैसे चलता है आपका? अब वही जिसमें हम हैं, यही मकान में से किराया उतरता है, वही से खर्चा करते हैं, कुछ जमीन था बेच दिए, उसी से चलाते हैं, करते हैं अपना। तो इस समय स्थिति यही है कि जीवन यापन के लिए भी बड़ा ही संघर्ष करना पड़ रहा है ऐसी स्थिति में, जबकि बिरहा के बड़े ही महान कलाकार थे, वो लिखते भी थे। हाँ, लिखते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया गीत लिखे हैं और उन्हीं लोग का गीत करीब हम लोग गाते भी हैं। बहुत लोग जो उन्हीं के गीतों को आज गाकर बड़े ही फेमस कलाकार हो गए हैं, लेकिन आज स्थिति ये है कि परिवार चलाने के लिए भी
बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है और ये अकेली रह गई है माता जी, और आगे पीछे कोई है नहीं, कौन संभालेगा, कोई आगे पीछे है नहीं, कुछ पूछने वाला भी नहीं है, कोई नहीं आते। आपके जो भाई हैं वही साथ में रहते हैं? हाँ, वो भाई रहते हैं साथ में, उनके दो लड़कियां हैं, पत्नी है साथ ही, वही हमारा सेवा देखभाल वही करती है। आज भी उनकी गीते लोग गाते हैं, तो जब साल में जब उनका जो पुण्य तिथि मनाई जाती है उस समय लोग आते हैं ना? हाँ, उस समय आते हैं बहुत, अब धीरे धीरे कम हो गए हैं, बाकी तब भी आते हैं, अपना सैनी प्रसाद चढ़ा उड़ा के दे के अपना पैर छुके जाते हैं। तो वही है, लोग आते हैं और अपना उनका जो पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है हर साल, वो आते हैं और लोग जो मानते हैं वो चले जाते हैं, और मानना भी चाहिए क्योंकि ये बिरहा के बड़े ही महान कलाकार थे। बिरहा इन्हीं लोगों ने शुरुआत किया और यहाँ तक ले, अगर बिरहा आया है तो इन्हीं लोगों की देन है, है? जी, यहाँ तक लाने का उन लोग का पूरा बिरहा जो शुरुआत में था, पहले करताल पर गाया जाता था, जो कि सिर्फ करताल पे गाया जाता था। ये लोग के आने की वजह से, हीरा बुल्लू रामदेव के आने, गुरुजी के लोग आने की वजह से ये ढोलक आया, फिर ढोलक के बाद हारमोनिया लाया गया, इन लोग लाए, और फिर जितने भी इंस्ट्रूमेंट जैसे झाल, करताल, ढोलक, हारमोनिया, इतनी चीज़ इन लोगों ने अपने बिरहा के माध्यम से शुरू की, उसी का नकल पूरी दुनिया इस समय गायक मतलब कर रहे हैं। पहले झाल करताल ही पर ही गाया जाता था बिरहा, और कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद जब इन लोग बिरहा जगत में आए, झाल, करताल, हारमोनिया, ढोलक, तभी से आज तक वही चल रहा है। और इस समय बिरहा की जो लाइन है बहुत ही टफ हो गई है, जो जो अपने आप को टफ नहीं बनाएगा वो इस ज़माने में गायकी नहीं कर पाएगा। पहले ज़माने में था शायरी और सीसा पलट, छंद का कहरा उड़ान, ये सब था, अब बिरहा सुनने वाले भी बदल गए हैं और गाने वाले भी बदल गए हैं, इसलिए थोड़ा तब्दीली बिरहा में लाना ज़रूरी था, क्योंकि बिरहा जब ये लोग तीनों स्टार ख़त्म हो चुके थे तो बिरहा जा रही थी, बिरहा को कोई सुनने वाला नहीं था। तो जो हम लोग जैसे विजय लाल हैं, राम जन्म हैं, हम लोग हैं, और ये लोगों ने, हम लोगों ने मिल करके बिरहा कैसे जिंदा रहेगा उसको, उसका विचार किया गया। तो विचार करने के बाद ये पता चला कि जो पब्लिक कोई जो उस ज़माने में पहले धोती वाले पैदा होते थे, आज के लड़के जो हैं जींस वाले हैं, तो बिरहा को जिंदा रखने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और उसी तरह बिरहा को ढाला भी। और इसमें कुछ लोग हैं जो अश्लीलता को प्रकट करते हैं और नाम लेने से क्या फ़ायदा, लेकिन बिरहा को बड़ी प्रयासों के बाद बचाया जा रहा है। तो हमारी उपलब्ध गायकों से उपलब्धि है कि जितनी बढ़िया हो सके अपने गायकी को ढालें और अपने गायकी को टफ बनाएं, इस ज़माने में वही गा सकता है। अब वो बिरहा जो कान में उंगली डाल करके गाने वाला ज़माना वो चला गया, अब हम लोग को सीधे कंपटीशन लेना है ऑर्केस्ट्रा से और जितने भी फिल्मी गीतों से, तो इस सब के लिए हम लोग को तैयार रहना ज़रूरी है, इसलिए अपने को गायक ढालें, उसमें ढाल करके बिरहा को बचाएं, किसी भी प्रकार बिरहा को बचाना पड़ेगा। अच्छा माता जी, वो बीमार बहुत ज़्यादा दिन तक रहे ना, कि मतलब बीमारी, उनका इलाज वगैरह भी चल रहा था पहले? धीरे धीरे उनके था, लेकिन वो बता नहीं रहे थे ना, बाद में जब बिस्तर पर आ गए तब डॉक्टर आए घर पे, तब बताएं, डॉक्टर बोले इनको था लेकिन वो आपको जानकारी नहीं देना चाहते थे कि आपको कष्ट होगा, तो बाद में डॉक्टर साहब आए तो हमको बताएं कि ऐसी ऐसी बात है, तब हमको हम पकड़े, तब वह बंद प्रोग्राम उनको कहें कम करिए कम करिए, तब भी उनका नशा की तरह था कि कहीं ना कहीं अरे हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, चले जाएं भाई, धीरे 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 उनके आपने आप, अरे गुजरते गुजरते उनको
तबीयत खराब है उसमें भी बैठे बैठे गाना लिख रहे हैं। अच्छा, बीमारी में भी वो लिखते थे? हाँ, उसमें भी लिखते रहे हैं। तो वही मना किए हैं, उनका हाथ से कलम भी नहीं कहना, हंसे और माने नहीं, तब भी हम दे देते थे उनका, बात हम नहीं काटते रहे कभी, जो कहें उनका बात हम मानते गए, कभी हमसे तूतू में कभी नहीं हुआ, ना कभी हमको एक थप्पड़ मारे, कभी नहीं, उल्टा सीधा कभी गलत हमको बोलवे नहीं किए। बड़े ही साधारण और शांत स्वभाव के थे। नहीं, गुस्सा थे उनको पास, लेकिन हमको कुछ न कहें, हमको नहीं कुछ कहें। अब भाई, हम ऐसा व्यवहार नहीं था हमारा कि हमसे कुछ कहें, जो कहें उनका बात हम मानते रहें। सही बात है भैया। तो जब वो गाते रहे होंगे तभी आपकी शादी हुई कि नहीं? गाते रहे। अच्छा, गाते वक्त ही शादी हुई? हाँ, गाते रहे, यहाँ से गए कलकत्ता, हमारा सारनाथ मैका भी है, और कलकत्ते हमारे पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे, तो उसी समय ये लोग गए, हमारे जीजा जी थे, हमारे बड़े, कोलकाता में शादी हुई? हाँ, वहीं हुआ है आपका मैका, कोलकाता में? हाँ, वहाँ भी है, सारनाथ है। अच्छा, सारनाथ, सारनाथ मैका है। बड़ी मम्मी की कापी लेकर के लिखते चले जाते थे, ये जो थे वो सरस्वती पुत्र थे, और जो बचपन से उसी में ढल गया हो, और ख़ासकर बिरहा जगत में, मैं बिरहा जो बचपन से गाते चले आ रहे हैं, और जो जवानी तक गाए हैं, और बुढ़ापा आने तक भी गाना चाहते हैं, उसका कारण ये कि ये जो संगीत की साधना है, लाइन है, ये एक हीरोइन से भी बड़ा नशा है। अभी हाल ही में देखे होंगे हीरालाल गुरुजी को डॉक्टरों ने मना किया था देहांत के पहले कि आप देखिए बिरहा छोड़ दीजिए, लेकिन हमको बताया गया कि वो बिरहा के लिए, एक जगह तो ऐसा हुआ कि वो बिना घर से कहे हुए चले गए अकेले बिरहा गाने। तो ये हीरोइन से भी बड़ा नशा है जो कि उसमें ढल गया है, वो उसमें रहेगा ही, और जो इसका नशा किया होगा वो जानता होगा। अच्छा, बताया जाता है कि उस समय सिगरेट भी पीते थे वो? बिना सिगरेट पियो गाना लिखते ही नहीं, एक हाथ पियेंगे एक हाथ अपना। सिगरेट से ही मतलब कुछ? हाँ, सिगरेट से ही जो अटैक किया, सिगरेट से हुआ है। मतलब हम तो उनके साथ थे, सिगरेट तो बाप रे बाप, उनको स्टेज पर भी गाने के बाद बैठते थे, तुरंत सिगरेट जला देते थे और पीते थे। तो एक आध बार लोग कहते थे कि बुल्लू भैया ये काहे ऐसा करत हुआ, तो हंस के बस चुप हो जाते थे, अपना सिगरेट पीते थे। सिगरेट उनका नहीं छू, हम खुद लाने वाले हैं, इतना सिगरेट सिगरेट नहीं छूटा, सिगरेट नहीं छूटा। अच्छा, वो सिगरेट से ही लग रहा है कि मतलब किडनी नहीं, उनका किडनी भी फेल हो गई थी, और सिगरेट बहुत पीते थे। सिगरेट एक तो कमज़ोर थे ही, शुरू से बचपन से कमज़ोर थे, और उसके बाद ये सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीते थे, और इसीलिए थोड़ा सा हमें लग रहा है, डॉक्टरों के यहाँ हम लोग ले गए थे, बताया कि किडनी इनका फेल है। तो ज़्यादा दिन तक, जैसे ज़्यादा दिन तक बेड पर पड़े थे कि नहीं? यही तो बात है, ज़्यादा दिन बेड पे नहीं थे। अरे, अस्पताल जाने के पहले दो चार पाँच दिन पहले वहाँ बैठे थे, तो ये सब सूझा हुआ था, तो ये हुआ कि चल के दिखा दिया जाए। अब लोग ले गए, उसी चार पाँच दस दिन हुआ होगा बड़की माँ, उसी के अंदर एकाएक डॉक्टरों ने टेस्ट किया तो पता चला कि किडनी फेल है। तुरंत हॉस्पिटल भर्ती किया गया, दिखाया गया, अब धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ गया। तो वही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो धूम्रपान उनके लिए, उनके स्वास्थ्य पर ज़्यादा अटैक कर गया, और होता भी है, क्योंकि धूम्रपान निषेध तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जानबूझकर लोग उसे पीते हैं, उस नशे को, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। हमारी तो ये अपील रहेगी सभी लोगों से, और जो खासकर बिरहा कलाकार हैं लोग,
आप भी माता जी कहिए, जो जो लोग गायक कलाकार हैं वो लोग पीते हैं। हम कहते हैं कि भाई सिगरेट दारू भांग ये सब जो प्रोग्राम करते हैं तो आप लोग पीना नहीं चाहिए, अच्छे चीज खाइए पीजिए, यही कहेंगे और क्या कहते हैं हम। ये संदेश रहेगा माता जी का कि आप लोग जो सिगरेट और शराब जो भी है उस सब का सेवन ना करें, और इसको एक जो हमारी बिरहा है जो भोजपुरी की विरासत कही जाती है इसको आगे बढ़ाएं, आगे लेकर चलें, जो इन लोगों ने विरासत दे दिया उसी पर चलना है और उसी को लेकर आगे बढ़ाना है जी। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें हमें भी, और मैं भी ऐसे अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। और आज मैं एक बिरहा के महान कलाकार स्वर्गीय बुल्लू यादव जी के घर पर था, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ थी और उनके भतीजे। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी पशुपालन विभाग में फोर्थ क्लास में थे, मतलब प्यून कहा जा सकता है, चपरासी भी का तो उस पद पर थे। और हमारे पिताजी कोई पढ़ाई पढ़ लिख करके नौकरी नहीं पा, पहले ज़माने में ये होता था कि अगर कहीं पर मलबा जमा हो, अगर लोग फेंक देते लन तो साहब अगर उधर से आ जाएं तो कहें यार बढ़िया काम कर रहा है, उसी के चलते उनका नौकरी लगा था हमारे पिताजी का, श्री स्वर्गीय श्री मंगरू यादव का, तो वही के चलते उनका सरकारी नौकरी लगा हुआ था, वो पशुपालन विभाग में थे जी। अच्छा, बिरहा को इस अगर परिवार से कोई जिंदा रखा है तो वो यही है बबलू यादव जी, जो अभी तक इस परिवार से बिरहा से अभी तक जुड़े हुए हैं, नहीं तो अगर ये नहीं गाते तो फिर बिरहा कोई इस परिवार में नहीं गाते। हाँ, बबलू गाते हैं, वही जिंदा रखे हैं, यही जिंदा रखे हैं, और इनको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि विरासत अभी तक चली आ रही है तो आगे चलेगी जी। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताया कीजिए कि कैसा लगता है जब मैं किसी के परिवार के साथ बैठता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। तो बस इस वीडियो में, इस सफ़र में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।